हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोदरेज एग्रोवेट शेयर के ऊपर। स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। आज जरूर स्टॉक में गिरावट हुआ, बट एग्रो थीम के ऊपर काफी ज्यादा फोकस होने वाला है, क्योंकि अगर आज भी देखेंगे तो बजट से पहले आज काफी सारे फार्मर्स ग्रुप के साथ जो है फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग हुआ है, और एग्रीकल्चर के ऊपर इस टर्म में जो है काफी ज्यादा फोकस होने वाला है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि रूरल डिस्ट्रेस को भी कम करेगा, साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा जनरेट करता है। इसी वजह से इस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस होने वाला है, और इसी से रिलेटेड है गोदरेज एग्रोवेट, जहाँ पे कि हम लोगों को एक अच्छा तेजी वीकली और मंथली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो डिटेल में बात करेंगे जो आज गिरावट के बावजूद इस स्टॉक में हम लोग क्यों बुलिस है, तो डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स अपडेटेड मिल जाएगा, साथ ही साथ किसी भी स्टॉक में अगर एक ब्रेकआउट आता है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट होता है, जैसे कि अगर देखेंगे तो आज हम लोगों ने माफतलाल इंडस्ट्रीज के ऊपर शेयर किया था, इससे पहले सिटी यूनियन बैंक, साथ ही साथ जो है कल हम लोगों ने शेयर किया था NFL के ऊपर, और हम लोगों ने शेयर किया था मैपमा इंडिया को। तो लगातार जो है जिस किसी भी स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, ब्रेकआउट आ रहा है या फिर कोई मोमेंटम बन रहा है या फिर शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो हम लोग लगातार कोशिश करते हैं उन सभी स्टॉक्स को टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करने का। इसके साथ ही अगर इन केस आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास समय नहीं है मार्केट के लिए, तो फिर जो है आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका सारा क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। इन केस अगर आप ओनली FNO में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको कोई भी अमाउंट पे करने का जरूरत नहीं है। ओनली थिंग है जो आपको तीन लिंक मिलेगा, एंजल वन, जीरोधा और अपस्टॉक्स, तीन में से किसी एक में अकाउंट ओपन कीजिए, वहां पे FNO को ट्रेड कीजिए 2 वीक्स, उसके बाद आप शेयर कर दीजिए अपना डिटेल, आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए ऐड कर दिया जाएगा। तो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आ जाते हैं हम लोग गोदरेज एग्रोवेट शेयर के ऊपर। इस स्टॉक के ऊपर हम लोग क्यों बुलिश है, अगर आज देखेंगे तो स्टॉक में 2.25% का गिरावट देखने को मिला, लेकिन अगर हम लोग वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 4.25% ऊपर क्लोज हुआ है। याद रहे यहाँ पे जो है मंडे का सेशन आपको काउंट नहीं है, ये लास्ट फ्राइडे को काउंट कर रहा है क्योंकि मंडे हॉलीडे था। तो लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है तकरीबन 4.25% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 11.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक के सबसे पहले हम लोग टेक्निकली लेवल्स के ऊपर अगर देखेंगे तो स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 600 का लेवल। स्टॉक इस लेवल के नीचे कब ट्रेड करना स्टार्ट किया था, स्टॉक इस लेवल के नीचे अक्टूबर 2021 में ट्रेड करना स्टार्ट किया था, यानी कि स्टॉक जो है 2.5 ईयर के बाद, ऑलमोस्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 2 ईयर एंड 9 मंथ के बाद स्टॉक जो है इस लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो क्लोज टू जो है आपको 21 मंथ के बाद स्टॉक ने अगर यहाँ पे 33 मंथ के बाद स्टॉक ने अगर इस लेवल को ब्रेकआउट किया है तो डेफिनेटली हम लोगों को इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट कुछ सेशन में जो है यहाँ पे मंथली कैंडल भी क्लोज हो जाएगा। मंथली बेसिस पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, स्टॉक ऊपर की साइड में जो है 715 के लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, 715-720 ये एक रेसिस्टेंस जोन है, और डाउन साइड में स्टॉक जो है आपको सपोर्ट ले रहा है 400 to डाउन साइड में आपको 350-400, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अभी लोअर चैनल से स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है।
अगर इस पूरे सेक्टर में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक जो है इमीडिएटली आपको 700, 720, 725 इन सभी लेवल्स को टच करने के लिए जा सकता है। और क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक बार ये रेंज अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को 1100, 1200 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो अभी स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग फंडामेंटली भी बात करेंगे तो फंडामेंटली भी जो है स्टॉक एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी है गोदरेज प्रोमोटर्स के बारे में जो है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। एक अच्छे प्रोमोटर के द्वारा बैक किया हुआ कंपनी है, काफी बड़ा ग्रुप है। अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है अपने 10 इयर्स के एवरेज पीई के पास ही ट्रेड कर रहा है। 13.6% का आरओसीई है और 14.8% का आरओई है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो लगातार जो है हम लोगों को यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक चीज आपको यहाँ पे जरूर देखना होगा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर 2013 से देखेंगे तो लगातार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। एक्सेप्ट अगर यहाँ पे कोविड के पीरियड की बात कर दे, अगर उस फाइनेंशियल ईयर को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर दे जहाँ पे की लॉकडाउन लगा था दो दो बार, उसके बाद से अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगातार सेल्स इंक्रीज किया है और 9,561 करोड़ का सेल्स कंपनी कर रहा है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट अपने मार्केट कैप के बराबर ही जो है यहाँ पे आपको सेल्स करता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो लगातार जो है 6-8% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किए हुए है। तो काफी कम मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है, फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। इबिट्टा बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24 में हाईएस्ट इबिट्टा कंपनी ने पोस्ट किया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेट प्रॉफिट का तो 359 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। लगातार एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रहा है। अर्निंग पर शेयर में हम लोगों को यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एकमात्र जो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का डेट। 1,416 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। कंपनी कुछ एक्सपेंशन प्लान भी कर रहा है और एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहा है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों को डेट जरूर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इससे पहले भी अगर देखेंगे तो डेट इंक्रीज हुआ था, कंपनी ने उसको रिड्यूस किया, वापस से यहाँ पे डेट इंक्रीज हो रहा है। बट अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल में है, तो यहाँ पे जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल में है, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी के पास कैश है, तब तक जो है कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कंपनी डेट को इजीली रीपे कर सकता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे अगर आप डेट देख रहे हैं तो डेट के अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे तो 74% का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आपको 74% प्रोमोटर के पास है, गोदरेज इंडस्ट्रीज के पास 64.88% के पास 88% है और रेस्ट जो है आपको अदर्स प्रोमोटर ग्रुप के ही है। FII के पास 9.43% का होल्डिंग है और DII के पास 5.09% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास 11.44% का होल्डिंग है, जहां पे की अगर बात करेंगे 1.47% जो है एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है, तो ऑलमोस्ट 10% जो है वो आपको रेस्ट रिटेलर्स के पास है। तो स्टॉक कंपनी जो है फंडामेंटली वाइज भी गुड है और टेक्निकली भी अगर देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप एग्रो केमिकल सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोदरेज एग्रोवेट के ऊपर जो है आप काफी ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको अभी न्यूज में ये आ रहा है जो GST काउंसिल का जो कल मीटिंग है वहां पे ये प्रपोजल होने वाला है जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर से GST को एग्जेम्प्ट किया जाए। तो अगर GST एग्जेम्प्ट होता है तो जो फार्मर्स के पास पैसा आएगा, MSP हाइक हुआ है, GST एग्जेम्प्ट होगा, तो जो फार्मर्स के पास पैसा आएगा डेफिनेटली जो है फार्मर्स उसको वापस से री इन्वेस्ट अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में ही करेंगे। अब वो ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं या फिर जो है अगर बात करें अभी काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो रूरल एरियाज में जो है फिशरीज के ऊपर ध्यान दिया गया है, गवर्नमेंट का फोकस भी फिशरीज के ऊपर है, पोल्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है और गोदरेज एग्रोवेट इन सभी प्रोडक्ट्स में जो है वो लीडर स्टॉक है।
तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा गोदरेज एग्रोवेट में, यहाँ पे आपको 725, 730 और इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन कर जाता है तो फिर 1100 हम लोगों को देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।